एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए हैं और सीईओ पराग अग्रवाल बाहर हो गए हैं। ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन पराग के बाहर होने की असल वजह पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। मस्क और पराग के बीच लड़ाई तो महीनों पहले से ही शुरू हो गई थी, आज तो बस मुनादी पीटी गई है। अब खेल क्या था वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सब कुछ शुरू हुआ 9 अप्रैल को, जब मस्क ने एक ट्वीट किया। उसके पहले तो दोनों के बीच बढ़िया ट्यूनिंग थी, जैसे चलो मिलकर ट्विटर को एक बेहतर स्पेस बनाते हैं। मस्क ने उस समय के 10 सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के अकाउंट शेयर करते हुए लिखा, इसमें से ज्यादातर अकाउंट कभी कभार ही ट्वीट करते हैं और कंटेंट भी बहुत कम होता है, क्या ट्विटर मर रहा है? मस्क की इस हरकत से पराग भड़क गए। उन्होंने मस्क को टैग करते हुए लिखा, वो ट्विटर के अंदर चल रही आंतरिक व्याकुलता के बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं, जो उनके काम करने की क्षमता को खराब कर रहा है। पराग यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, आप ये लिखने के लिए फ्री हैं कि ट्विटर मर रहा है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं, ये मौजूदा संदर्भ में ट्विटर को बेहतर बनाने में मेरी मदद नहीं कर रहा है। पराग के टेक्स्ट पर मस्क ने अपने स्टाइल में जवाब दिया और लिखा, आखिर इस हफ्ते तुमने किया ही क्या है, मैं बोर्ड ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये सब वक्त वक्त की बर्बादी है। अब ऐसे मैसेज का मतलब तो साफ है, मस्क और पराग के बीच टसल सिर्फ बॉट अकाउंट को लेकर नहीं थी, बल्कि उनके बीच काम करने के तरीके को लेकर भी मतभेद थे। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक ब्रेट टेलर को बोला, मैं ट्विटर को पब्लिक से प्राइवेट करता हूँ, फिर रीस्ट्रक्चर करके वापस मार्केट में ले आऊंगा। मस्क ने फिर पराग के जख्म पर नमक छिड़कते हुए ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को हेल्प करने के लिए कहा। मस्क ने डॉर्सी को लिखा, तुम और मैं एक बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि पराग बहुत धीमे काम कर रहा है, वो सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी करने पर खुश नहीं होने वाले। डॉर्सी ने जवाब दिया और लिखा, इतना तो साफ है कि तुम दोनों साथ काम नहीं कर सकते। मस्क ने लिखा, हाँ साफ है कि पराग की ट्विटर से विदाई तय थी, बस ये आज यानी कि मस्क के ट्विटर का बॉस बनते ही ऑफिस में घुसते ही हो जाएगा, वैसा तो शायद पराग ने नहीं सोचा होगा। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मस्क को एक मोटी रकम पराग को देनी पड़ेगी। खबरों के मुताबिक $42 मिलियन बोले तो 350 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान करना होगा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।